हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी। आपका स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जैसे कि आपको पता है, हम ऑलरेडी 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके सभी लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दी आपके लिए। एंड ये हमारा लास्ट लेक्चर मीन्स जो लेक्चर 1 की वीडियोज हमने यहाँ पे डेवलप करने स्टार्ट की थी, उसकी लास्ट वीडियो है। एंड जैसे ही हमारा ये फ्रेंच से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो आज हम कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी हमने लेक्चर किए हैं, लास्ट में आपको उसकी समरी मिलेगी। आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मैंने आपके रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से लास्ट में उसको रखा है, ताकि जितने भी हमने यहाँ पे डेट्स या फिर नाम या फिर जितने भी प्लेसेस, जितने भी कॉलोनीज एंड जितनी फैक्ट्रीज के नाम पड़े, वो आपको सारी वहां पे देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ चलिए आज के लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम फ्रेंच के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि फ्रेंच इंडिया में किस तरीके से अपने आप को इनिशियल फेजेस में एस्टैब्लिश कर पाए, लेकिन लॉन्ग रन में वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए। तो इससे पहले अगर हम फ्रेंच की डिस्कस करते, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि फ्रेंच किस इंटेंशन से इंडिया के अंदर आया था। देखिए, अगर हम किसी भी यूरोपियन पावर की बात करें, यूरोपियन पावर इंडिया में किस लिए आती थी, ओनली एंड ओनली कमर्शियल ट्रेड इस पर्पज से ही आती थी। लेकिन जब यहाँ पे लोकल हालात पता चलते थे कि यहाँ पे जो राजा है वो कितने कमजोर है, उनकी आर्मी कितनी डिसऑर्गेनाइज है, तो उनको कहीं ना कहीं मन में ये लालच आता था कि यहाँ पे भाई हम ट्रेडर की बजाय यहाँ पे रूलर ही क्यों ना बन जाए। तो यही कोशिश की गई थी पुर्तगीज की तरफ से, लेकिन वो फेल हुए। यही डच की तरफ से की गई, लेकिन वो फेल हुए। इनिशियल स्टेजेस पे ब्रिटिश भी फेल हुए थे। आपको पता हो, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से जाना पड़ा था, लेकिन दोबारा इंडिया में आते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, उसके बाद इनको अपनी कॉलोनीज को रिवाइव करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच को भी इनिशियल स्टेजेस में इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कामयाबी देखने को मिलती है, लेकिन जो इंडिया के अंदर फर्दर राइवलरीज थी उनकी वजह से इंडिया में इनका ज्यादा फुटहोल्ड नहीं हो पाया। तो देखिए, जो फ्रेंच की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 16th सेंचुरी की इनिशियल फेजेस में। तो 16th सेंचुरी में क्या होता है, जो लुइस 14 है, यहाँ पे लुइस 14 वो इस वक्त फ्रेंच के राजा है। इन्होंने अपने जो सबसे फेवरेट मिनिस्टर थे कोबरल, इनके सजेशन पे इन्होंने एक न्यू फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। न्यू फैक्ट्री तो नहीं बोल सकते, न्यू कंपनी बनाई थी। वो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यही नाम तो हमने ब्रिटिश के लिए भी सुना था, यही हमने डच के लिए भी सुना था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है। ईस्ट यानी कि डायरेक्शन, और इंडिया यानी कि भारत, एंड कंपनी मीन्स जो ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया के साथ ट्रेड करेगी उस कंपनी के बारे में, राइट। तो क्या लिखा जाता था उसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर वो फ्रेंच की है तो आगे आपको फ्रेंच लिखना होता था, अगर ब्रिटिश है तो ब्रिटिश, अगर डच है तो डच, राइट। तो ये आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट नेम में। नो डाउट आगे आपको सभी चीजें हम सिखाएंगे, समझाएंगे सारी चीजें। तो अगर हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत हम यही चीजें आपसे डिस्कस करते हुए करेंगे कि जितने भी लास्ट यूरोपियंस, इनसे पहले जो यूरोपियंस आए थे वो कौन थे, राइट, ब्रिटिशर्स थे। तो इंडिया के अंदर पहुंचने वाले लास्ट यूरोपियन कौन थे, वो थे फ्रेंच। ये आपका एक नंबर का जीके का क्वेश्चन बनता है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो उसके बाद जो लुइस 14 थे, उन्होंने क्या किया था, इनको परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की, एंड उसे 50 ईयर की मोनोपली प्रोवाइड की थी, राइट। अभी 50 ईयर की मोनोपली क्या थी, अगर हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका के नियर बाय यहाँ पे मेडागास्कर था, तो इनको मोनोपोली क्या प्रोवाइड की गई थी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट आते हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं, आप उनके साथ नेक्स्ट 50 ईयर तक आप ट्रेड कर सकते हैं। अब रीजन ये आता है कि इस कंपनी को ये ऑप्शन क्यों दिया गया, ये फैसिलिटी क्यों दी गई, ये फैसिलिटी इसलिए दी गई थी क्योंकि लुइस 16 का इस कंपनी के अंदर खुद के इंटरेस्ट थे। इंटरेस्ट किस वजह से थे, क्योंकि वॉर की वजह से फ्रेंच को बहुत ज्यादा जो मॉनेटरी लॉसेस देखने को पड़े थे, जिसकी वजह से लुई 16 चाहते थे कि एज सुन एज पॉसिबल जो उनके फाइनेंशियल लॉसेस है उनको रिकवर किया जा सके। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच नेम मेंशन किया है, तो स्टूडेंट इस नाम को देख के घबराइएगा ना, इस नाम का मतलब यही है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए हम आगे चलते हैं, 1 मिनट। इसके बाद जो आपको मेन सिचुएशन, जो मेन पिक्चर में देखने को मिलते हैं, वो आते हैं फ्रेंकोनिस कैरून 1667। लेकिन इससे पहले हमें दो चीजें और समझनी पड़ेंगी कि जैसे कि हमने यहाँ पे मेडागास्कर की बात की थी, कि मेडागास्कर को समझना पहले बहुत जरूरी है। यहाँ पे फ्रेंच की तरफ से बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन
उस इन्वेस्टमेंट का कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एट द लास्ट इनको इंडिया की तरफ अप्रोच करना पड़ता है। एंड ये इंडिया को जब अप्रोच करते हैं, ये सबसे पहले लैंड कहाँ करते हैं, ये लैंड करते हैं सूरत में, राइट। एंड यहाँ पे इनको परमिशन मिलती है, एंड इनको परमिशन मिलती है सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की। और वो परमिशन कौन लेते हैं, वो लेते हैं 1667 में फ्रैंकस कैरून। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, ये फ्रंट नेम सेम रहेगा लेकिन लास्ट में मार्टिन रहेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैंने आपके लिए इनके पिक्चर लगा दिए ताकि आप पिक्चर के थ्रू नाम याद रख सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है वो मुसेलीपट्टनम में होती है 1669 में, यानी कि 2 साल के बाद। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाह रहा हूँ, एक टेक्निक है किसी भी डेट को याद रखने का। देखिए, आप जितनी भी डेट याद रखेंगे आप इस पॉइंट को रखिए, ओरिजिन पॉइंट आप यहाँ पे रखिए 1667। जितनी भी हम यहाँ पे फैक्ट्रीज की बात करेंगे आप इस तरीके से याद मत कीजिए कि नेक्स्ट फैक्ट्री थी 1669 में, आप भूल जाओगे थोड़े दिन बाद। आप इस तरीके से याद करो कि 2 साल बाद कौन सी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, मुसेलीपट्टनम। तो आपको ऑटोमेटिक ये जो डेट है वो याद रहेगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है 1673 के अंदर, राइट, वो होती है चंदर नागौर में। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे डेट याद ना करके अगर आप जो इनके अंदर ईयर का गैप है, 2 ईयर का गैप आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 ईयर का गैप आता है, अगर आप गैप को भी याद रखेंगे ना तो आपके लिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में याद करना चीजों को बहुत आसान हो जाएगा हिस्ट्री में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, उसके बाद ये मुसेलीपट्टनम में स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन इनको ही परमिशन कौन देते हैं, गोलकोंडा के जो राजा थे, नवाब थे, उनकी तरफ से इनको परमिशन मिलती है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, ये इनकी सोल फैक्ट्री नहीं थी, इनके ये इन्होंने ज्वाइंट वेंचर में स्टैब्लिश की थी, इसमें पर्शियन का भी इसके अंदर हेल्प की गई थी फ्रेंच की, इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने की। उसके बाद ये अप्रोच करते हैं 1673 में शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान इनको परमिशन देते हैं कलकत्ता के नियर बाय चंदर नागौर में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। एंड ये मैंने आपके लिए पिक्चर लगा दी शाइस्ता खान की ताकि आप और अच्छे से याद रख पाए। एंड अगर हम इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बात करें, पौंडीचेरी को इन्होंने अपना नव सेंटर बनाया था। देखिए, हर एक यूरोपियन पार्क का कोई ना कोई एक ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन थी जहां से वो अपनी सारी ट्रेड एक्टिविटी को कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे जो ट्रेड एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता था वो किया जाता था पौंडीचेरी से, राइट, जो इन्होंने खुद स्टैब्लिश किया था 1674 में। लेकिन ये परमिशन कब मिली थी इनको, 1673 में श्री लोदी खान से। ये मैंने आपके लिए ना लोकेशन भी यहाँ पे मैप में लगा दिया है, विलई कोंडपुरम, यहाँ पे इनको अपने सेटलमेंट जो इनको मुसेलीपट्टनम के अंदर फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिली थी 1673 के अंदर। अब यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिली है, लेकिन जो सेटलमेंट स्टैब्लिश करने के लिए इनको श्री लोदी खान की तरफ से परमिशन मिलती है। फिर ये लास्ट में कौन सी न्यू लोकेशन को डेवलप करते हैं 1674 में, वो होती है पौंडीचेरी, राइट। एंड ये डेवलप करने वाले कौन होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फ्रंट नेम सेम रहेगा लेकिन लास्ट में आपको मार्टिन देखने को मिलेगा। तो आप कभी भी इस चीज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेट भी एक जैसी है 1673, मुसेलीपट्टनम जो इससे पहले आया था उसकी भी सेम डेट थी, नाम भी सेम था तकरीबन, लेकिन लास्ट में चेंज होता है। एंड जो नेक्स्ट इवेंट क्या था, मैंने आप इनके पिक्चर लगा दिया, नेक्स्ट इवेंट ये था कि जो इन्होंने पौंडीचेरी को डेवलप किया था एंड जिस तरीके से इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश किया पौंडीचेरी में, ये वहां के डायरेक्टर थे, राइट। तो फ्रेंच जो थे इनसे बहुत ज्यादा खुश हुए इनके काम से, इनको फिर कैमरून की जगह इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, कहाँ का, इंडिया में फ्रेंच की तरफ से। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इन्हीं जगह पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, अदर जो इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो ट्रेडिंग पोर्ट थे वो थे माहे एंड कराइकल। ये आप लोकेशन याद रखना, समरी के अंदर मैं आपको एक बार फिर इसको याद दिलाऊंगा कि कराइकल के अंदर एक और जो यूरोपियन कंपनी, जो कंपनी थी और यूरोपियन पावर थी, उसने अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था, ठीक है, वो मैं वहां पे आपको याद दिलाऊंगा। जो नेक्स्ट इन्होंने स्टैब्लिश की थी वो थी बालासोर, उसके बाद इन्होंने स्टैब्लिश किया था कासिम बाजार में। एंड ये मैंने आपके लिए इनका एक पूरा मैप यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया ताकि आप मैप को काफी अच्छे से समझ पाए। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। तो जैसे कि अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है किस तरीके से पौंडीचेरी, फिर मद्रास, देखिए जो मद्रास वाला एरिया था, ये मद्रास एरिया किसके अंडर आता था, ये आता था ब्रिटिशर्स के अंडर, लेकिन यहाँ पे पौंडीचेरी को डेवलप किया गया। फिर इधर यहाँ पे कलकत्ता के नियर बाय इनको चंदर नागौर में अपनी न्यू फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का ऑप्शन मिला, यानी कि परमिशन मिली। यहाँ पे माहे में इनको
जो परमिशन मिली थी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की, तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे अपने जो इनिशियल फेजेस थे उसके अंदर इंडिया के अंदर काफी ज्यादा एडवांटेजियस पोजिशन इनको मिलती गई। लेकिन जैसे कि हमें पता है ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज होती है लंबे टाइम तक नहीं होती है, इसके बाद इनको कुछ सेटबैक्स भी देखने को मिलते हैं। जो सेटबैक सबसे पहला इनको देखने को मिलता है वो डच के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि डच यहाँ पे इनके साथ वॉर शुरुआत करता है। देखिए जो वॉर होती है उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इंडल्ज होते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्रेंच ने यहाँ पे पॉन्डिचेरी को एस्टेब्लिश किया था अपने एज ए मेन ट्रेडिंग पोर्ट के लिए, तो यहाँ पे उसी पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया ताकि फ्रेंच की जो पावर है उसको कमजोर किया जा सके, क्योंकि इनका जो मेन जो रेवेन्यू आता था वो पॉन्डिचेरी से ही आता था। अब जब ब्रिटिशर्स को यहाँ पे मौका मिलता है कि यहाँ पे फ्रेंच को वो नेगलेक्ट आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डच का सपोर्ट कौन करते हैं, ब्रिटिश। क्योंकि देखिए ब्रिटिश को अच्छे से पता था कि अगर फ्रेंच किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर अगर स्ट्रांग होल्ड ले लेते हैं या फिर एक्वायर कर लेते हैं, इनको फिर इंडिया से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ये चाहते थे कि एट द लास्ट एटलीस्ट इनकी यहाँ पे पकड़ बनी रहे। तो इन्होंने सपोर्ट किया डच का। तो डच का सपोर्ट करने के बाद डच ने पौंडीचेरी को 1693 में अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन ट्रीटी ऑफ रविस्की के अंदर 1697 में पौंडीचेरी वापस मिल गया किसे, फ्रेंच को, राइट। अब यहाँ पे फर्दर मेजर डेवलपमेंट देखने को क्या मिलती है, जो स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन था उसके अंदर भी फ्रेंच को बहुत ज्यादा यहाँ मॉनेटरी लॉसेज होते हैं। अब एक और सबसे बड़ा सेटबैक क्या होता है कि दिसंबर 31 दिसंबर 1706 जो पिछले 32 साल से पौंडीचेरी को डेवलप कर रहे थे फ्रेंक्यूज मार्टिन, उनकी डेथ हो जाती है। एंड जो उनकी डेथ होती है उस कमी को फ्रेंच की किसी और गवर्नर की तरफ से भरपाई नहीं हो पाती है। एंड जो आप एक तरीके से मान के चलिए जिसने पौंडीचेरी को जीरो से खड़ा किया, एक वेल एस्टेब्लिश पोर्ट बनाया, तो जो उसकी देखरेख करने वाले थे वही नहीं रहे थे, तो ये सबसे बड़ा सेटबैक था फ्रेंच के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फ्रेंच को रीऑर्गेनाइज किया गया 1720 के अंदर। देखिए ऐसा नहीं है कि, देखिए आपको एक चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने की क्या जरूरत है, यूरोपियंस जितनी बार भी गिरते हैं वो दोबारा बाउंस बैक जरूर करते हैं। यहाँ पे अगर हम पोर्चुगीज की बात करें, उन्होंने भी बाउंस बैक किया हर बार, ब्रिटिशर्स ने भी वापस इंडिया के अंदर, देखिए 1692 में इनको इंडिया से निकाल दिया गया था, लेकिन दोबारा इंडिया के अंदर आते हैं ये बाउंस बैक करते हैं। सेम यहीं पे जब पौंडीचेरी यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया था उसके बाद इन्होंने दोबारा से अपने आप को रीस्टैब्लिश किया 1720 के अंदर। अब जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये दो मेजर यहाँ पे गवर्नर सामने आते हैं जो इंडिया के अंदर फ्रेंच की जो पावर है उसको रीगेन करवाते हैं, राइट, इनके कमर्शियल इंटरेस्ट को काफी ऊपर लेवल तक लेके जाते हैं। लेन्यूर को गवर्नर कब बनाया गया था, 1720 में, एंड ड्यूमास को बनाया गया था 1742 में। अगर हम यहाँ पे बात करें जो ड्यूमास थे उनको कहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, वो थे मॉरिसिस एंड रीयूनियन। यहाँ पे फ्रेंच को एक और चीज समझने यहाँ पे समझ में आई थी कि जो इनको सपोर्ट मिलता था, मान लीजिए अगर किसी भी वॉर के अंदर इंडल्ज होते हैं तो इनको बैकअप कहाँ से आता था, फ्रेंच की तरफ से आता था, और उस बैकअप को आने में नियरली 3 से 4 महीने लग जाते थे। तो यहाँ पे फ्रेंच ने क्या एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की, इन्होंने बहुत ही छोटे छोटे जो टापू थे वहां पे अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की, एंड वहां पे अपने आर्मीज की न्यू कॉलोनियां बनाई, वहां पे आर्मीज को रखा जाता था इनकेस अगर किसी भी फर्दर टेरिटरी पे, जैसे ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी टेरिटरी पे आर्मी की रिक्वायरमेंट हो तो वहां पे आर्मी का यूज किया जा सके, राइट। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और इसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए थे, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था, क्योंकि यहां से जो फेस टू फेस जो फ्रेंच और ब्रिटेन थी उनकी राइवलरी स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे राइवलरी के बारे में बात करता हूँ, तो ये ओनली एंड ओनली इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राइवलरी नहीं थी, ये 3 और कॉन्टिनेंट थे जहाँ पे फ्रेंच एंड ब्रिटेन आपस में पावर स्ट्रगल में इंडल थे। लेकिन हम यहाँ पे साउथ जो डायरेक्शन, जो साउथ रीजन है वहां पे फोकस करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि कर्नाटिक बॉस थे, उन्होंने ही डिसाइड किया था कि इंडिया के अंदर किस यूरोपियन पार्क की यहाँ पे मेन पकड़ रहेगी, राइट। तो देखिए जितने भी हम यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करते हैं, वो बैकग्राउंड हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपको एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए
ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर ये इवेंट हुआ है इसके बैकड्रॉप में क्या फर्दर इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ये एंड रिजल्ट के तौर पे हम ये इवेंट स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो जो मेन स्ट्रगल हुआ था वो था ऑस्ट्रियन वॉर। ऑस्ट्रियन वॉर नियरली आप मान के चलिए 7 ईयर ये वॉर हुए चला था। ये वॉर ये स्टार्ट हुए थे 1740s एंड खत्म होते हैं नियरली 1748 के नियर बाय, राइट। इसको 7 ईयर वॉर बोलते हैं। आप जितनी भी आगे फर्दर वॉर देखेंगे वो आपको नियरली 7 ईयर वॉर ही देखने को मिलेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या रीजन था कि जितने भी वॉर स्टार्ट होते थे फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में वो 7 साल तक चलते थे, लेकिन आप इस तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ जितने भी वॉर आपको देखने को मिलेंगे वो 7 ईयर तक ही, 7 ईयर का टाइम पीरियड रहता है उनका, राइट। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कवर कर लिया कि ऑस्ट्रिया सबसे बढ़िया जो बड़ा रीजन था कि जो ऑस्ट्रिया में पावर स्ट्रगल चल रहा था, वॉर चल रही थी, उसकी वजह से इंडिया सब कॉन्टिनेंट में भी वॉर स्टार्ट होती है, राइट। तो जितने भी हम यहाँ पे वॉर कवर करेंगे वो हम किस तरीके से कवर करेंगे उसके अंदर हम वॉर के बैकग्राउंड क्या था, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, सिग्निफिकेंस क्या थे, इम्प्लीकेशन क्या थी, इन सारी चीजों को हम इस तरीके से कवर करेंगे ताकि आप मेंस में एक बैलेंस प्रोस्पेक्टिव से एक आंसर लिख पाए। अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये हमने इंटरनेशनल लेवल पे बात की है कि क्या सिचुएशन थी। अगर हम यहाँ पे इंडियन लेवल पे बात करें, इंडियन लेवल पे क्या सिचुएशन थी, मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। ये इंडिया का साउथ रीजन है एंड इस एरिया के नियर बाय हैदराबाद रीजन है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेन पावर स्ट्रगल था मुगल्स का हैदराबाद रीजन में था। यहाँ पे और छोटे छोटे जो ओल्ड विजयनगर एम्पायर के जो रिमेनेंट बचे हुए थे, जो छोटे बचे हुए थे साम्राज्य, जैसे कि मैसूर, कोचीन, ट्रेवनकोर, राइट। एंड अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं, इस डायरेक्शन में आपको मदुरई एंड तंजौर, ट्रिकनोपली, आपको ये नाम याद रखना, ट्रिकनोपली, इसको हम आगे जो सेकंड कर्नाटिक वॉर होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड ये लोकेशन भी आपको दिखाएंगे मैप में, राइट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 कर्नाटिक वॉर हुई थी एंड जो लास्ट कर्नाटिक वॉर थी जो वेंडीवॉश की जो वॉर हुआ था उसके अंदर डिसाइड हो गया था कि इंडिया के अंदर किसकी पकड़ रहेगी, ब्रिटेन की ना कि फ्रेंच की, राइट। तो अगर हम यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें, ये भले ही पावर स्ट्रगल किसके बिटवीन था, फ्रेंच एंड ब्रिटेन के बिटवीन, लेकिन ये अल्टीमेटली प्रूव हो चुका था कि इंडिया इंडियन रूलर्स के हाथ में ना जाके किसी एक यूरोपियन पावर के हाथ में जाएगा ही जाएगा। ये थर्ड जो कर्नाटिक वॉर थी इसमें डिसाइड हो चुका था, राइट। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे वॉर के क्या क्या सीक्वेंस हुए थे वो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन हम इन वॉर्स को कैसे कवर करेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड क्या था, देन इमीडिएट कॉज क्या थे, रिजल्ट क्या निकला, फिर सिग्निफिकेंस क्या थी, इम्प्लीकेशन क्या रहे उस वॉर की, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए मैप लगा दिया है। ये इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया स्ट्रगल है, राइट, एंड ये ब्रिटेन है। आप एंड मैं जो 3 कॉन्टिनेंट की बात कर रहा था, 3 कॉन्टिनेंट यहाँ पे, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ब्रिटेन एंड फ्रेंच की कॉलोनीज हैं, अफ्रीका के अंदर ब्रिटेन एंड फ्रेंच की कॉलोनीज हैं, इंडिया के अंदर भी ब्रिटेन एंड फ्रेंच कॉलोनी है, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइटेड करने की कोशिश की गई है। तो स्टूडेंट जब भी हम वॉर की बात करते हैं, वॉर इंजॉयबल नहीं होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं, मॉनेटरी लॉस बोल सकते हैं, लाइवली लॉस बोल सकते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी होता है। एंड ये कुछ मैंने आपके लिए पिक्चर्स लगाए ताकि आप एक वॉर का जो वॉर फील्ड में सिचुएशन होती है, जो सिनेरियो होता है, उसे आप एक बार थोड़ा सा कोरिलेट कर पाए ताकि आप इस स्टडी में थोड़ा सा और अच्छे से इंटरेस्ट दिखा पाए। तो इसी के साथ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होती है। इसका जो मेन रिजल्ट था, जो बैकग्राउंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वो थे ऑस्ट्रियन वॉर, राइट। तो हम कैसे कैसे कवर करेंगे इस वॉर को, फर्स्ट होगा बैकग्राउंड, फिर इमीडिएट कॉज क्या थे, फिर हम इसके रिजल्ट के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो ऑस्ट्रिया वॉर जो थी, ऑस्ट्रिया वॉर सक्सेशन की वजह से कर्नाटिक वॉर के इनिशियल होती है इंडिया के अंदर, राइट। इसके इमीडिएट कॉज थे, देखिए इमीडिएट कॉज ब्रिटेन की तरफ से स्टार्ट हुए थे। ब्रिटेन ने ब्लॉकेड किया था फ्रेंच शिप्स को, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रेंच रिटेलिएट किस वे में करते हैं, इन्होंने मद्रास के अंदर जो इनके फोर्ट था उसको सीज किया 1746 में, राइट। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है 1746 से स्टार्ट होती है। नो डाउट उससे पहले भी छोटी मोटी स्क्रमिशेस चल रही थी, लेकिन जो मेजर इवेंट है वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, राइट, जो एग्जाम व्यू से, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अगर फ्रेंच की शिप ऑलरेडी कैप्चर की जा चुकी थी ब्रिटेन की तरफ से,
तो फ्रेंच को ये सपोर्ट कहाँ से मिला कि वो मद्रास को कैप्चर कर पाए? ये सपोर्ट मिला था मॉरिसस एंड रीयूनियन के अंदर, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, नेवी स्टैब्लिश की गई थी ताकि इन केस फ्यूचर में कभी हेल्प की जरूरत हो तो इनका यूज किया जा सके, राइट? तो ये हेल्प कहाँ से मिली थी इनको? मॉरिशस की तरफ से मिली थी। एंड उस वक्त कौन थे डायरेक्टर, या डायरेक्टर नहीं, गवर्नर थे ये, एडमिरल अल ब्रुंदेज, राइट? अब इस वॉर का रिजल्ट आगे देखने से पहले हम ये देखते हैं कि एक और वॉर यहाँ पे हुई थी, राइट? वो वॉर आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस इवेंट के बाद इंडिया के अंदर कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होती है, राइट? सो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ, जो ये वॉर थी 1748 में खत्म हो गई इंडिया के अंदर, जो कर्नाटिक वॉर चल रही थी। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये देखिए जितने भी वॉर यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसके बाद कोई ना कोई ट्रीटी जरूर होती है, क्योंकि अगर ट्रीटी नहीं होगी तो क्या क्या संधियां हुई थी वो हमें नहीं पता चलेगा। जो एक वॉर होती है वो हमेशा जो जीतने वाला होता है उसके हक में ज्यादा आपको फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलती है। तो यही सेम चीज आपको कर्नाटिक वॉर में देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल की बात करूं, ये जो वॉर रहा था ये टाई रहा था फ्रेंच एंड ब्रिटेन के बिटवीन, लेकिन इंडिया के अंदर फ्रेंच जीता था, राइट? लेकिन फ्रेंच कहाँ पे आ रहा था, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ रहा था, राइट? तो यही इस ट्रीटी के अंदर बोला गया था। ये ट्रीटी कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका के जितनी भी टेरिटरी थी वो वापस कर दी गई किसे, फ्रेंच को, एंड जो मद्रास था वो वापस कर दिया गया ब्रिटेन को। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, ब्रिटेन ने बहुत समझदारी से काम लिया था, राइट? अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अगर इतनी बड़ी टेरिटरी ब्रिटेन के पास है तो फ्रेंच के पास कितनी बड़ी टेरिटरी थी, फ्रेंच के पास कंपैरेटिवली ये साइज था टेरिटरी का, लेकिन ब्रिटेन ने समझदारी दिखाते हुए इसे अपने पास रखना ज्यादा समझदारी वाला, मीन्स ज्यादा अच्छा समझा एज कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका, राइट? रीजन यही था कि ब्रिटेन किसी भी हालत में इंडिया के अंदर अपनी जो फुट होल्ड था उसे कमजोर नहीं करना चाहता था, राइट? तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, नॉर्थ अमेरिका की जो टेरिटरी वापस किसको मिलती है, फ्रेंच को, राइट? अगर यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए इस सिग्निफिकेंस में सबसे बड़ी चीज यूरोपियन को क्या पता चलती है कि इन जितने भी वॉर हुए थे, जो सेंट थॉमस वॉर हुआ था, इसके इस वॉर में जो मुगल्स थे, मुगल की आर्मी थी नियरली 10,000, लेकिन तो फ्रेंच फोर्स एंड अनवरदीन के बिटवीन ये वॉर होती है, एंड इस वॉर के अंदर सबसे सरप्राइजिंगली क्या होता है, फ्रेंच जीत जाते हैं, क्योंकि जो अनवरदीन की फोर्स थी वो थी 10,000 एंड फ्रेंच फोर्स थे ओनली 300। तो यूरोपियन को ये चीज समझ में आती है कि इंडियन रूलर कितने डिसऑर्गेनाइज वे से इस वॉर को लड़ते हैं, जो इंडियन वॉर्स का जो वॉर टैक्टिक था वो कितना कमजोर है, तो जिसकी वजह से एक मोटिवेशनल बूस्ट मिलता है फ्रेंच को, राइट? क्योंकि इंडिया के अंदर जब फ्रेंच जीते थे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, तो यही देखने को मिला था कि इन फ्यूचर जो भी यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड रहेगा किसका रहेगा, फ्रेंच का रहेगा। लेकिन जैसे कि अभी हमें पता है जो नेक्स्ट कर्नाटिक वॉर थे उसके अंदर ये सारे जो टर्न थे बिल्कुल एकदम से चेंज हो गए, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सेकंड कर्नाटिक वॉर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें उसके कुछ इमीडिएट कॉज क्या थे वो हमें डेप्थ में समझने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाले थे। एक बार आप इसको अच्छे से समझ गए, जो सीक्वेंस क्या था, कौन किससे वॉर के अंदर इंडल्स था, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे। लेकिन एक मैं आपको बैकग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ। देखिये जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था इसके अंदर ये बात हुई थी कि फ्रेंच एंड ब्रिटिश डायरेक्टली कभी भी वॉर के अंदर नहीं उलझेंगे, किसी भी पावर स्ट्रगल में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच ने क्या यूज किया, जो लोकल प्रिंस थे उनकी जो पावर स्ट्रगल चल रही थी लोकल लेवल पे, उनके अंदर इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया, जो बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ था फ्रेंच की तरफ से। तो यहाँ पे ब्रिटिश को एक बोल सकते हैं मजबूरन स्टेप लेना पड़ा कि ब्रिटेन को भी यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा। जो सेकंड कर्नाटिक वॉर था डायरेक्टली फ्रेंच एंड ब्रिटेन के बिटवीन नहीं लड़ा गया था, ये इस तरीके से था कि मान लीजिए दो पार्टी हैं इंडियन नेटिव रूलर्स की, एक को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच एंड दूसरे को सपोर्ट कौन कर रहा है, ब्रिटेन। अगर मैं इसको आज के टाइम में कोरिलेट करके बताऊं, जिस भी वॉर में, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका अगेंस्ट था तालिबान के, राइट? तो यहाँ पे तालिबान को सपोर्ट किसकी तरफ से मिला, रशिया को। तो सेम यही सिचुएशन आज से नियरली 200 300 ईयर पहले थी
कि अगर दो पावर आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ पा रही है, वो हमेशा जो दूसरी पावर्स थी, जो उनसे कमजोर पावर है, उनको अपने एम्यूनिशन, मॉनिटरी फंड, इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते ताकि वो इनडायरेक्टली अपने मोटिव को अचीव कर सके। तो जो इमीडिएट कॉज स्टार्ट होता है निजाम उल मुल्क की तरफ से, जो किंगडम हैदराबाद था, इन्होंने स्टेब्लिश किया था 1948 के अंदर, जो इन्होंने बनाया था, राइट। ये मैंने आपके लिए पिक्चर यहाँ पे लगा दी है ताकि मैप के अंदर इस लोकेशन को आप अच्छे से समझ पाए। तो निजामुल मुल्क के जो बेटे थे नासिर जंग, इनको नियुक्त नियुक्त किया गया था एज ए राजा, राइट। क्योंकि जो निजाम थे इनके बाद कौन राजा बनना था, नासिर जंग। लेकिन इस पोस्ट को अपोज कौन करते हैं, इनके पोते यानी कि मुजफ्फर जंग, ये अपोज करते हैं कि नासिर जंग सूटेबल नहीं है इस पोस्ट पे, यानी कि जो गद्दी पे बैठने के लिए। मुजफ्फर जंग अपना यहाँ पे हक जताते हैं। फिर यहाँ पे पिक्चर में आते हैं चंदा साहेब। चंदा साहेब कौन थे, ये मराठा के साथ वॉर करते हुए मराठा इन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो चंदा साहेब को रिलीज कर दिया जाता है, राइट। जब ये हैदराबाद जो निजाम थे वो मारे जाते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे चंदा साहेब का रोल क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। चंदा साहेब का रोल क्या है, चंदा साहेब को एज ए कर्नाटक के अंदर गवर्नर बनाया गया था, एंड चंदा साहेब कौन थे, जो कर्नाटक के गवर्नर थे उनके सन इन लॉ थे, राइट। सन इन लॉ किसके थे, दोस्त अली के। एंड जो दोस्त अली के जाने के बाद किसे बनाया गया था नवाब ऑफ कर्नाटक, वो थे अनवर उद्दीन खान, इसे बनाया गया था। लेकिन सेम ये जो सिचुएशन थी, चंदा साहेब ने अपोज किसको किया था, अनवर उद्दीन को, कि इस पोस्ट के लिए मैं सबसे ज्यादा सुटेबल हूं, राइट। तो यहीं पे ही फ्रेंच ने एंड ब्रिटेन ने, सबसे पहला ये है कि फ्रेंच ने बहुत अच्छा मौका देखा कि इस मौके को यूज किया जा सकता है इंडियन राजा से सपोर्ट लेने के लिए, एंड इन फ्यूचर अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़े तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखने को यह है कि फ्रेंच को किस किस को सपोर्ट किया, जो अपना हक जता रहे थे, यानी कि चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कौन करते हैं, फ्रेंच, एंड इंग्लिश सपोर्ट करते हैं नासिर जंग को एंड अनवरदीन को। यहाँ पे आपको एक और कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया था ट्रिकनोपल्ली, आप याद रखिएगा, हम मोहम्मद अली के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मोहम्मद अली कौन थे, ये थे अनवरुद्दीन के बेटे थे ये, राइट। जब अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है तो उसके बाद इनके ऊपर आप बोल सकते हैं मुकदमा चलाया जाना, या फिर इनको कैप्चर करने की कोशिश की जाती ताकि इनको भी एग्जीक्यूट किया जा सके, ताकि जो कर्नाटक के लिए जितने भी हकदार हैं उनको एक बार में खत्म किया जा सके। तो इसी के साथ हम कर्नाटक की जो एग्जैक्ट सिनेरियो था उसे स्टार्ट करते हैं। जो कर्नाटक का सेकंड वॉर था वो स्टार्ट होता है 1749 to 54। ये भी आप देखिए, अब अप्रोक्स 6 ईयर के नियर बाय ये वॉर चलता है। सेम इसका भी यही सीक्वेंस रखेंगे हम, इमीडिएट कॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो कोर्स ऑफ वॉर था यह यहाँ पे हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, इंडिया के अंदर जो लोकल प्रिंस थे उनकी राइवलरी इनका मेन जो बैकग्राउंड था, और जो इमीडिएट कॉज भी था। यहाँ पे फ्रेंच को कौन लीड कर रहे थे, यहाँ पे फ्रेंच को लीड कर रहे थे ड्यूप्लेक्स, राइट। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी वो भी ड्यूप्लेक्स पॉलिसी की वजह से ही जीता गया था। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कोर्स ऑफ वॉर की बात करें तो यहाँ पे तीन फोर्स आपस में मिलके किससे लड़ाई करती हैं, अनवरुद्दीन से। तो यहाँ पे अनवरुद्दीन मारा जाता है, यहाँ पे एमजे का है मुजफ्फर जंग, सी एस है चंदा साहेब, एंड फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच फोर्स के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है, राइट। तो सेम यहाँ पे मैंने बता दिया, जो बैटल ऑफ अंबर हुई थी 1749 में, उसके अंदर अनवरुद्दीन मारा जाता है एंड चंदा साहिब को स्टैब्लिश किया जाता है, एंड डुप्लेक्स को जो रिवर कृष्णा थी उसके नियर बाय सभी टेरिटरीज का गवर्नर बना दिया गया, एंड जो मोहम्मद अली था जो ट्रिकनोपल्ली में था उसको कैप्चर करने के लिए पूरी फोर्स को लगाया गया। चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग ये सभी इस पूरे फोर्ट का घेराव करते हैं। लेकिन यहीं पे ही आपको एक और पर्सनैलिटी के यहाँ पे एंट्रेंस देखने को मिलता है, वो है रॉबर्ट क्लाइव, राइट। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन ने बोला था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला था कि हम हेल्प किसकी करेंगे, हम हेल्प करेंगे अनवरुद्दीन की, लेकिन यहाँ पे फेल हो जाते हैं ब्रिटिश। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो उनका प्रोस्पेक्टिव यह था, हम किसी भी तरीके से मोहम्मद अली को नहीं मरने देंगे, यानी कि जो हम किसी भी तरीके से फ्रेंच को नहीं जीतने देंगे। उनका कोई भी मोटिव मोहम्मद अली को बचाना नहीं था, उनका मेन मोटिव था फ्रेंच को हराना। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से क्या एक बहुत ही समझदारी वाला स्टेप होता है, एयरकोड। एयरकोड क्या था,
ये राजधानी थी किसकी? ये राजधानी थी कर्नाटक की। और रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छे से जानता था, अगर मैं यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर हमला करता हूँ, इसको सीज करता हूँ, तो जो चंदा साहेब है वो अपनी फोर्स लेके अपनी राजधानी को बचाने जरूर आएगा। और ये बात रॉबर्ट क्लाइव के बिल्कुल सही निकली, चंदा साहेब अपनी 4,000 की फोर्स लेके अपनी राजधानी को बचाने के लिए, जो कर्नाटक की राजधानी है, वहां पे आते हैं। नियरली 53 डेज का यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, 53 डेज का यहाँ पे सीज चला था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये इवेंट कब स्टार्ट किया था? अगस्त 1751 में स्टार्ट किया था, एंड 23 सितंबर से लेकर के ये 14 नवंबर तक ये सीज चला था, नियरली 53 डेज का। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की किस्मत एक जगह और काम करती है कि जितने भी नेटिव रूलर्स थे, जो भी हमने यहाँ पे इनिशियल स्लाइड में बात की थी, मराठास एंड जितने भी, उन्होंने यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प की, तो जिसकी वजह से चंदा साहिब को एट द लास्ट सरेंडर करना पड़ा। देखिए, चंदा साहिब को एग्जीक्यूट किया गया था मोहम्मद अली, जो यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करें, मोहम्मद अली की तरफ से चंदा साहिब को एग्जीक्यूट किया जाता है, कब? 1752 में। एंड जिसके बाद जो चंदा साहिब की फोर्स थी उसे मजबूर किया जाता है कि वो सरेंडर करें, राइट? तो ये सारी इवेंट आपको यहाँ पे मैं रिटर्न फॉर्मेट में दे रहा हूँ। मैसूर, तंजौर एंड मराठा चीफ, इनकी तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव की जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड जून 1752 में यहाँ पे जो भी इनकी सेना थी, किसकी? चंदा साहिब की, सरेंडर करती है। एंड इसका जो एंड रिजल्ट क्या निकलता है? एंड रिजल्ट ये होता है, ड्यूप्लेक्स को वापस बुलाया जाता है इस वॉर के खत्म होने के बाद 1754 में। एंड उन्हें रिप्लेस कौन करते हैं? गुडेहू इनको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि जो फ्रेंच कंपनी थी ड्यूप्लेक्स की जितनी भी पॉलिसीज थी उनसे बहुत ज्यादा नाराज होती है। एंड जो गुडेहू थे उनको सिंपली यही बोला गया कि आप किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स, जो नेटिव पॉलिटिक्स है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड सबसे मेन जो एंड रिजल्ट जो इस वॉर का आपको देखने को मिलता है, इस वॉर के बाद, राइट, इस वॉर में क्या देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हेल्प ली थी, राइट? लेकिन अब सेकंड कर्नाटिक वॉर में जो नेटिव रूलर्स थे वो रूलर ना रह के क्या बनते हैं? क्लाइंट बनते हैं। जैसे मोहम्मद अली की हेल्प की थी ब्रिटिशर्स ने, एंड यहाँ पे सलाबत जंग, ये दोनों क्या बनते हैं? ब्रिटिशर्स के क्लाइंट बनते हैं। तो जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स की जो मेन पावर थी और बढ़ती है। अगर हम यहीं पे थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात करें, इससे पहले ना मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ जो जो चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड और यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है 1758 में। अगर आपको ध्यान हो, 1757 के अंदर एक और वॉर लड़ी गई थी, वो कहाँ लड़ी गई थी? बंगाल के अंदर। और इसको हम किस नाम से जाते हैं? बैटल ऑफ प्लासी, राइट? तो इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स के हाथ में बंगाल का जो सबसे रिचेस्ट प्रोविंस थी उस वक्त इंडिया की, वो कंट्रोल में आ जाती है। यहाँ पे इंडिया का जितना जो मेजर रेवेन्यू पार्ट था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में होने की वजह से, तो जितने भी वॉर ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे उनकी फाइनेंसिंग करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ब्रिटिशर्स को। लेकिन उसके अपोजिट हैंड जो फ्रेंच थे उनको हर बार वो वॉर किस लिए हारते गए? क्योंकि वो अपनी वॉर को कंटिन्यू रखने के लिए जितने भी आर्म्स, एमिनिशन एंड लोगों को सैलरी देना, फूड एक्सेट्रा, इस पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, एंड ये सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, राइट? अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड सेम वही 7 ईयर वॉर का स्टार्ट होता है, दोबारा अपनी कोशिश करते हैं, तो जो ऑस्ट्रिया है वो दोबारा कोशिश करता है सिल्सिया के अंदर अपनी पावर को रीस्टैब्लिश करने का, जो कि फर्दर इग्नाइट करता है 7 ईयर वॉर को जो कि 1756 से 63 के बीचवीन चलती है, लेकिन इंडिया के अंदर ये 2 साल के बाद पहुंचती है। अब देखिए, ये वॉर थी, इसने फाइनली डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर किसका मेन परचम लहराएगा यूरोपियंस में, राइट? तो इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करें, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका इमीडिएट कॉज वही जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यही इसका इमीडिएट कॉज है। अगर हम कोर्स ऑफ वॉर की बात करें तो यहाँ पे जो वॉर स्टार्ट होती है वो काउंट दी लेली की तरफ से स्टार्ट होती है। तो ये किस तरीके से होता है? 1758 में यहाँ पे कैप्चर किया जाता है इंग्लिश फोर्ट को, जो नाम था सेंट डेविड के नाम से, राइट? इसको कैप्चर करने के बाद ये फर्दर मूव ऑन किस पे करते हैं? विजयनगरम के ऊपर, ये भी कैप्चर किया जाता है 1758 में। तो इसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स बहुत ही ऑफेंसिव अपना तरीका यूज करते हैं। जो एडमिरल डी एके थे उन्होंने मुसेलीपट्टनम के अंदर बहुत ही
एडवर्स एंड जो बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से वॉर को लड़ा, जिसकी वजह से फ्रेंच धीरे धीरे हारते गए। एंड जो सबसे मेजर लड़ाई थी जो मैंने इनिशियली भी आपसे डिस्कस किया था वो थी बैटल ऑफ वेंडीवॉश। इसके अंदर जितने भी आप बोल सकते हैं जो मेजर इन चैलेंजेस थे ब्रिटेन के सामने वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गए थे फ्रेंच की तरफ से। एंड अगर हम यहाँ बात करेंगे वॉर कब लड़ी गई थी, ये जनवरी 1760 को लड़ा गया था, राइट। एंड जो यहाँ पे जनरल अय्यर कूट थे उनकी बहुत ही अच्छे तरीके जो इन्होंने अपनी आर्मी को लीड किया था उसकी वजह से फ्रेंच को अपनी जितनी भी फोर्सेस थी उनको सरेंडर करना पड़ा था। एंड जो इनका सरेंडर स्टार्ट हुआ था जनवरी 1761 से इनका सरेंडर स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे जो इनकी फर्दर टेरिटरी थी जैसे जिंजी और माही में इनकी जो टेरिटरी थी वहां पे भी अपने आप को लॉसेस करते गए। एंड जो इस वॉर का जो एंड होता है वो होता है ट्रीटी ऑफ पीस होती है पेरिस की 1763 की, वहां से इसे फिनिश माना जाता है, मीन्स कर्नाटिक वॉर को खत्म माना जाता है। और इसी ट्रीटी के को एज ए सिग्निफिकेंस माना जाता है फ्रेंच का इंडिया के अंदर पावर का खत्म होना, राइट। जितने और इनके फर्दर काउंटर पार्ट थे जैसे कि फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, ये सारे छोटे छोटे एनक्लेव में स्टेब्लिश मीन्स छोटे से एनक्लेव में ही सिमट के रह गए और इनका जो मेन ध्यान था सिर्फ सिर्फ कॉमर्स के ऊपर रहा। एंड इस वॉर ने डिक्लेयर कर दिया कि जो ब्रिटिश थे सुप्रीम पावर बनने वाले इंडिया के। एंड दो वॉर हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस की थी पहले के लेक्चर में, बैटल ऑफ बिडारा जो की हुई थी 1759 में एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757। इन दो बैटल ने भी पहले ही डिसाइड कर दिया था कि जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है वो कौन जीतने वाला है, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटेन क्यों जीता और फ्रांस क्यों नहीं जीत पाया जितने भी वॉर हुए थे। तो देखिए अगर मैं आपको मैप के थ्रू अगर समझाऊं, मैप में आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे, जो वॉर ऑफ थिएटर थे ये तीन एरिया में वॉर हमेशा लड़ी गई थी, राइट। मेन जो वॉर चलती थी, इनफैक्ट ये फोर थी, लेकिन जो मेजर वॉर यहाँ पे इतना नहीं फोकस होता था, यहाँ इतना फोकस नहीं होता था, मेजर फोकस इधर और इधर रहता था हमेशा। रीजन बीइंग इंडिया बहुत ही बड़ा रिसोर्स सेंटर था, ये बात फ्रेंच भी अच्छे से जानते थे एंड ब्रिटेन भी अच्छे से जानता था। एंड जो अफ्रीका की अगर हम बात करें, अफ्रीका को इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अफ्रीका के अंदर इतनी ज्यादा एट्रोसिटी नहीं देखने को मिलती है इन दोनों के बिटवीन। लेकिन अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका के अंदर दोनों, जैसे यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, ये थी ब्रिटेन के पास, ये ब्रिटेन कॉलोनी थी। एंड जो रेस्ट ऑफ देख रहे हैं ये ग्रीन कॉलोनी थी फ्रेंच की। तो अब आप देख रहे हैं जो मैंने आपको एक सेकेंड कर्नाटिक वॉर के अंदर एंड जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में आपको थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर ब्रिटेन के पास ये साइज था टेरिटरी का तो फ्रेंच के पास ये था, यानी मद्रास, और ये था नॉर्थ अमेरिका। तो अब आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का कितना बड़ा चंक था जो ब्रिटेन ने छोड़ दिया किस चीज के लिए, ताकि वो इंडिया के अंदर अपनी सुप्रीम पावर को स्टैब्लिश कर सके, राइट। तो ये मैप के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एंड अगर हम यहाँ पे रीजंस की बात करें कि इंग्लैंड थे जो ब्रिटिशर्स थे वो इन वॉर्स को अल्टीमेटली क्यों जीत पाए, रीजन वेरी सिंपल था, जो इंग्लिश कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, तो जिसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही फास्ट होती थी और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। एंड जो फ्रेंच कंपनी थी वो स्टेट ओन्ड कंपनी थी और उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू होकर गुजरती, जिसकी वजह से डिसीजन हमेशा डिले होते थे एंड जो एग्जीक्यूशन होता था उसके अंदर वो ब्रिटेन का सामना नहीं कर पाते थे। तो यही मैंने आपको बताया, डिसीजन इंस्टेंट होते थे। एंड जो मेजर यहाँ पे अगर हम चीज देखें, जो नेवी थी ब्रिटेन की, नेवी बहुत ही ज्यादा सुप्रीम थी एज कंपेयर टू फ्रेंच, राइट, ये मेन रीजन बना। एंड सेकंड, ब्रिटेन का इंडिया के अंदर तीन मेजर पोर्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल था। ये तीन मेजर कौन से थी, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। अगर हम यहाँ पे सेकंड हैंड पे फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच के पास ओनली पौंडीचेरी था, राइट। ब्रिटेन ने यहाँ पे एक और समझदारी क्या दिखाई थी, ब्रिटेन ने समझदारी ये दिखाई कि वो वॉर के साथ साथ, यानी टेरिटोरियल एम्बिशन के साथ साथ, वो अपने कमर्शियल जो एम्बिशन थे उनको साथ साथ मेंटेन करके चल रहे थे। लेकिन फ्रेंच यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ टेरिटरी के ऊपर ध्यान देते हैं, हाउ टू एक्वायर मोर एंड मोर टेरिटरी, लेकिन वो ये भूल गए कि इन टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए, मनी चाहिए। तो एट द लास्ट क्या हुआ, फ्रेंच को मनी शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी उसे झेलनी पड़ी। एंड
जो ब्रिटेन कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, उसको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। ये सबसे मेजर रिजल्ट था, रीजन था। एंड अगर हम यहाँ पे कमांडर्स की बात करें, ब्रिटेन के पास सर अयरकूट इस तरीके के जैसे रॉबर्ट क्लाइव जैसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांडर थे, यानी कि यहाँ पे कोई एक कमांडर नहीं था। अगर मल्टीपल एरिया मल्टीपल फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ना है तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांडर थे जो बहुत इजिली एंड इफेक्टिव मैनर से यूटिलाइज अपने सर्विसेज को कर पा रहे थे, रिसोर्सेज को कर पा रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दूसरे हैंड पे बात करूं कि अगर इंडिया के अंदर तीन जगह अगर वॉर चल रही है, इन तीनों जगह का कंट्रोल किसके पास है, वो है ड्यूप्लेक्स के पास। तो जिसकी वजह से ड्यूप्लेक्स किसी भी एक मेजर रीजन के ऊपर फोकस नहीं कर पाया। एंड एट द लास्ट क्या देखने को मिला, यहाँ पे फ्रेंच हार जाते हैं, किसके से, ब्रिटेन की तरफ, ब्रिटेन से हारे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। एंड अगर हम सभी लेक्चरों को कंक्लूड करना चाहते हैं, अगर हम रिवीजन फॉर्मेट में अगर इनको पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए चार स्लाइड लगाई है। एक बार हम इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपके जितने भी लेक्चर आपने कंप्लीट किए हैं वो आप अच्छे से कवर कर पाए। देखिए, समरी स्टार्ट होती है रीजन क्वेश्चन से, तो यहाँ पे आपको एक और चीज क्या सीखने को मिलती है। मैंने इस YouTube चैनल पे सबसे जो पहली वीडियो डाली थी वो क्वेश्चन ही फॉर्मेट में थी कि अगर आप किसी भी चीज को अच्छे समझना चाहते हैं उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई अ सी रूट टू इंडिया, यानी कि इंडिया तक पहुंचने का सी रूट ही क्यों डिसाइड किया गया। तो इसके रीजन हम ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं। जो स्पिरिट ऑफ रेनेसा यानी कि जो पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण क्या कि हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन पुट करना कि ओके, अगर ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि पहले क्या था, अगर खेती करनी होती थी राजा की तरफ से फरमान आता था कि आपको ये खेती करनी। लेकिन रेनेसा में क्या हुआ, लोगों ने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए कि क्या इस खेती को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, राइट? तो इन वजह से यूरोपियंस के अंदर एनलाइटमेंट एंड रेनेसा ये तीनों चीजें हुई जिसने प्रेरित किया इनको कि न्यू जो अनआइडेंटिफाइड लैंड है, टेरिटरीज है, कॉन्टिनेंट है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए एंड उनके साथ ट्रेड स्टैब्लिश किया जाए, राइट? तो जिसकी वजह से रेनेसा की वजह से एंड एनलाइटमेंट की वजह से जो उनकी प्रोस्पेरिटी थी, जो भी वहाँ के यूरोपियंस थे लोकल से, उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती गई, जिसकी वजह से लग्जीरियस गुड एंड जितनी भी सप्लाई थी जैसे मीट वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ती गई। अगर आप मीट की बात करें, मीट हाईली पेरिशिएबल आइटम होता है यानी कि जल्दी खराब हो जाता है। इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए, स्पाइसेस। और ये स्पाइसेस कहाँ उगते थे, इंडिया के अंदर, जो पहले सिल्क रूट का यूज करके इंडिया से ट्रेड किया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक और डेवलपमेंट क्या होती है, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑटोमन साम्राज्य है वो इस एरिया के अंदर अपनी मोनोपोली क्रिएट करता है, तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे पहले ट्रेड फ्री मूवमेंट होती थी, यहाँ पे हर एक पोस्ट के ऊपर टैरिफ लगाए जाने लगे, जिसकी वजह से जो पहले ट्रेडर्स के पास बेनिफिट होता था, जो ये प्रॉफिट मार्जिन होते थे इनके, काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होते थे, वो धीरे धीरे ना के बराबर रहे। तो जिसकी वजह से इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए जितने भी यूरोपियंस थे उन्होंने एक अल्टरनेट रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश की। एंड उस केस में ये सफल भी हुए, वास्को डी गामा इंडिया में पहुंचे फर्स्ट टाइम 1498 में। एंड जो सेकंड विजिट थी उस विजिट में ये कालीकट, कोचीन एंड कन्नौर में अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर पाए, जिससे यहाँ पे पोर्तुगीज को 100 साल तक एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिला। लेकिन वो इस एडवांटेज को यूटिलाइज नहीं कर पाए, वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जो कि हारते हैं इजिप्शियन से, लेकिन ये दोबारा इंडिया के अंदर आते हैं, अपने आप की पोजिशन को स्ट्रांग करते हैं एंड ब्लू वाटर पॉलिसी को एस्टेब्लिश करते हैं। अब समझते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ लेकिन रिविजन चल रहा है तो अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे चेक पॉइंट ए और बी है, अगर इन पॉइंट्स से आपको गुजरना है तो आपको क्या देना पड़ता है, टोल। यही आज की डेट में जो टोल टैक्स से वसूल करते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी यही था। अगर आपको अफ्रीका से लेकर के इंडिया के ईस्ट यानी इंडोनेशिया तक अगर आपको ओशियन में ट्रेवल करना है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेवलिंग सिक्योर रहे, सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करते थे, फ्रेंच। तो उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए और एक प्रूफ के तौर पर ये एक सर्टिफिकेट देते थे, राइट? उसी सर्टिफिकेट के तौर पर इनको आगे जाने के लिए अनुमति मिलती थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बहुत ही फनी इंसिडेंट भी होता है। एक बार क्या होता है कि एक इंडियन ट्रेडर इस एरिया के अंदर अपने शिप के थ्रू जा रहा होता है, तो जितने भी सोमालिया के डाकू आते हैं, इनडायरेक्टली सोमालिया के डाकू तो नहीं होते हैं, वो फ्रेंच के ही आर्मी के होते हैं, क्योंकि
वो लोगों के अंदर डर बना के रखना चाहते थे कि इस एरिया के अंदर थ्रेट बहुत ज्यादा है। तो उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि इंडियन ट्रेडर ने क्या किया, उन डाकुओं को सिर्फ ये दिखाया कि मेरे पास जो ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो कार्तजा सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। तो सिर्फ उस सर्टिफिकेट को देखने के बाद जितने भी वो डाकू थे वापिस चले गए। तो इस चीज से हमें यही पता चलता है कि उन्होंने अपने ब्लू वाटर सिस्टम को अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए अपने खुद के ही गुंडे बिठा रखे थे, ताकि उनकी जो प्रॉफिट जनरेटिंग है वो और ज्यादा बढ़ सके, राइट। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की हिडन स्टोरी है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। फिर उसके बाद आते हैं मिस्टर अल्फोंसो, जिन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को एक्वायर किया था बहुत ही इजी वे में, एंड श्री कृष्णदेव राय से जो कि विजयनगर के एम्पायर थे उनसे इन्होंने बहुत ही फेवरेबल ट्रीटीज की, एंड इंडिया के साथ इन्होंने जो बोलते हैं कि शादी प्रथा। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, अगर आपको किसी भी दूसरे राजा से अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप क्या करें, जो मेरिटोरियल अलायंस आप बिल्ड कर लीजिए ताकि आपको इन केस फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सती प्रथा को एबॉलिश करने वाले सबसे पहले यूरोपियन बनते हैं इंडिया में, राइट। तो ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुआ था, ये सिर्फ गोवा में हुआ था, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं नीनोदी चूना, ये मैंने आपको जो टाइम पीरियड इनका मेंशन कर दिया 1529 to 38। ये कोचीन से गोवा में अपनी राजधानी को शिफ्ट करते हैं, एंड जो फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से बहादुर शाह को अपनी शिप पे बुला के उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अब पांच फैक्टर क्या थे इनकी डिक्लाइन के, सबसे मेजर फैक्टर ये था ब्राजील की तरफ इनका जो ध्यान था हो जाना। देखिए ब्राजील एक न्यूली आइडेंटिफाइड लोकेशन थी, न्यूली आइडेंटिफाइड कॉन्टिनेंट था, तो इनको लगा कि इंडिया से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इनको कहाँ मिलेगी, ब्राजील में। लेकिन उससे ऊपर भी जो दो गलतियां थी, जो मेन गलतियां थी वो इन्होंने की थी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ये मुगल से जो फेवरेबल ट्रीटीज इनकी होती थी वो छूट गई। देखिए एक्सटर्नल रीजन क्या थे, एक्सटर्नल रीजन ये थे पावरफुल डायनेस्टीज लाइक इजिप्शियन एंड पर्शियन नॉर्थ इंडिया के अंदर अपना अटैक बढ़ाने लगे, तो जिसकी वजह से जो नॉर्थ रीजन पे मेजर अटैक थे, जो फॉरेन पावर्स का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता गया। एंड सेकंड जो पॉलिटिकल फियर था वो किस वजह से बढ़ गया, क्योंकि ये धर्म जो मिशनरी भेजते थे, जैसे आपने भी देखा होगा जो हमने यहाँ पे पोर्तुगीज का कवर किया था लेक्चर, उसके अंदर हमने ये बताया था कि अकबर ने 3 बार कमीशन को बुलाया था, एंड इन्होंने पूरा ट्राई किया था कि अकबर को ये मुस्लिम से किस में कन्वर्ट कर दे, क्रिश्चियनिटी में। लेकिन अकबर भी इनसे भी 2 कदम आगे थे, अकबर ने अपना एक और नया धर्म स्टैब्लिश कर दिया, आपको नीचे कमेंट में बताना है वो धर्म कौन सा था, राइट। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से इनका एक मेजर सेटबैक रहा इंडिया में, एंड इनके जो कंपनी थी, जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन थे उसके अंदर करप्शन इतने हाई लेवल पे था, जिसकी वजह से जो भी स्मगलिंग एंड जो इल एक्टिविटीज थी वो ज्यादा हो गई, तो जिसकी वजह से मुगल्स को इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़े। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें डच की, देखिए डच इंडिया के अंदर बहुत ही सिंपल वे में आए थे, और इनका मेन फोकस क्या था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना। लेकिन इन्होंने भी अपनी एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से नीदरलैंड में कंपनी स्टैब्लिश की थी, और इस कंपनी के पास क्या राइट थे कि इनकेस अगर पावर स्ट्रगल में अगर इनको वॉर करनी पड़े, कहीं पे अगर इनको कैप्चर भी करना पड़े तो ये कैप्चर कर सकते हैं, और इनको ये राइट प्रोवाइड किया गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें, पोर्तुगीज का जो माइंड था वो डाइवर्ट हुआ था ब्राजील की तरफ, एंड डच का यहाँ पे माइंड डाइवर्ट हुआ था किसकी तरफ, इंडोनेशिया की तरफ, राइट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फ्रेंच था, फ्रेंच का माइंड डाइवर्ट कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। तो इस तरीके से जितनी भी फर्दर जो यूरोपियन पावर्स थी इंडिया में, उन सभी यूरोपियन पावर का माइंड डाइवर्ट होता है डिफरेंट कंट्रीज की तरफ, तो अल्टीमेट जो इंडिया बसता है किसके लिए बसता है, ब्रिटेन की तरफ, राइट। ये हमने बैटल डिस्कस की थी यहाँ पे 1759 में, एंड ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको याद दिलाऊंगा केराइकल 1645 में कौन स्टैब्लिश करता है अपनी फैक्ट्री को, डच, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स की जो सबसे मेजर आप बोल सकते हैं मोटिवेशनल लेवल कैसे बूस्ट हुआ था वो यही था, फर्स्ट सरकम नेविगेशन का कंप्लीट होना एंड स्पेनिश आर्मेडा का हारना। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम चार्टर प्रोवाइड किया जाता है जो सिर्फ 15 साल के लिए था, लेकिन 1609 में उसे अनलिमिटेड लेवल के लिए बढ़ा दिया गया था,
राइट, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, हम ऑलरेडी ये काफी डेप्थ में कवर कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे एक फाइनल समरी के तौर पे मेंशन कर दिए कि किस तरीके से सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, फिर उसके बाद मुसेलीपट्टनम में, देन मुसेलीपट्टनम से किस तरीके से मद्रास में ये अपनी फैक्ट्री को चेंज करते हैं एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज को अपना मेन पॉइंट बनाते हैं, एंड जो फॉरेक्सियर फरमान था वो इनके लिए एज ए मैग्ना कार्टा साबित हुआ था, एंड आप में से अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया मैग्ना कार्टा कब आया था, मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था 1200 के टाइम पीरियड में आया था, राइट तो अब कुछ मेजर प्रॉब्लम इंग्लिश की यहाँ पे समझते हैं कि इंग्लिश को क्या क्या मेजर प्रॉब्लम हुई थी। देखिए बाहर तो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, ये एक साथ तीन तीन चार चार वॉर लड़ रहे हैं एक ही टाइम पीरियड में। अब एक और मेजर सेटबैक क्या था इंग्लिश के लिए, जो होमलैंड था उनके अंदर भी एक लालच आ गया था, इसलिए 1635 में एक कंपनी को स्टैब्लिश किया गया जो कि लास्ट में दोबारा मर्ज कर दी गई, एंड 1698 के अंदर एक और राइवलरी कंपनी इमर्ज हुई थी लेकिन उसे भी बाद में 1708 में इसी कंपनी के अंदर मर्ज कर दिया, और इस कंपनी ने इंडिया पे कब तक रूल किया 1858 में, एंड ये खत्म क्यों हुआ था 1858 में, बिकॉज ऑफ 1857 सिपाही म्यूटनी, जिसे फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी बोला जाता है या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंच के बारे में आज ही हमने ये डिस्कस किया है, तो इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि हम ये ऑलरेडी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर पढ़ चुके हैं, कॉज ऑफ फेलियर भी अभी हमने जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ा है, फाउंडेशन कैसे हुई थी, ये यहाँ पे नाम याद रखिएगा कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके फाउंडर कौन थे। तो इसी से स्टूडेंट ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत रहेगा, सो आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सके अपने एग्जाम्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।